प्रोग्राम से पहले मैं थोड़ा आज का एजेंडा के बारे में बताना चाहूँगा, कैसा रहेगा हमारा प्रोग्राम। पहले हम लोग एक आवाहनी मंत्र से शुरुआत करेंगे। मेरे ग्रुप के सदस्यों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो तैयार हो जाएं आवाहनी सम के लिए। उसके बाद हमारे साथ कुछ सीनियर हैं हमारे, जो हमारे मार्गदर्शन किए हैं, जिनके गुडविल के दौरान मुद्दे पे हम लोग ये जर्नी हम लोग किए हैं, तो उनको मैं एक के बाद एक आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे साथ पूज्य बाबूली भाई हैं, टिकी अप्पा, उसके बाद मामू हमारे साथ हैं, गदाधर जी मिश्र, जो लोग बाहर से आए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बोल दूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उड़ीसा के जो मदरन श्रीविंदो के पाठचक्र आंदोलन में मुख्य धार जो जिन्होंने शुरुआत किया था इन सब चीज़ों को, उनमें से बाबूजी भाई मामू जो सूत्रधर हैं, उनको मैं चाहूँगा एक के बाद एक आके, क्योंकि समय सीमित है तो ज़्यादा मैं उनके बारे में बोल नहीं पाऊँगा। वो आके हमें हमारे मार्गदर्शन करेंगे, हमें कुछ एडवाइस देंगे। उसके बाद हम लोग एक वीडियो यहाँ पे हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, पूरे साल भर के जर्नी का एक विवरण है उसमें। एक छोटा सा बहुत हमारा एक प्रयास है कि हम लोग उसको बहुत प्रिसाइज करके आप लोगों के पास पहुँचा सके, इसका एक प्रयास है हमारे, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो भी यात्रा के दौरान हमारे साथ पूरे साल भर थे, वो लोग अपने अनुभूति से कुछ आप लोगों के साथ हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको भी हम लोग सुनेंगे। और उसके बाद स्पॉन्टेनियसली अगर कोई आके फिर बोलना चाहे, फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे मदर्स म्यूज़िक के साथ। तो ये है ओवरऑल आज का जो प्रोग्राम एजेंडा। मैं चाहूँगा कि सब लोग जो जो भी एक्सपीरियंस बोलेंगे या फिर जो जो भी हैं हमारे साथ, थोड़ा प्लीज टाइम को देख के ये सब हम लोग को करना पड़ेगा। 4 बजे तक ही हमारे पास समय है, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और सबसे अनुरोध करूँगा थोड़ा साइलेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये एक ऑफरिंग है हमारे तरफ से मदर एंड श्रीविंदो को, श्रीविंदो की 150वीं जन्म जयंती पे। पूरी जर्नी और पूरा ये जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ ऑल एन ऑफरिंग, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट विथ अस। लेट अस नोट दिस 2 आवर्स, लेट अस लीव द जर्नी फॉर 1 ईयर। सो इसको देखते हैं और थोड़ा मदर से प्रे करता हूँ मैं कि आज का वो ये पूरा सेशन मदर के तत्वावधान में ही चले। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस जन्मभूमि टू तपोभूमि एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। थैंक यू। हवा अनिल धूप लगे लगे
मेरे सहयोगी यहाँ पे पीछे अगर थोड़ा अरेंजमेंट्स देख पाए, टर्पलिन है वहाँ पे, हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सीमित समय है, मैं जैसे कह चुका हूँ ऑलरेडी। आवानी मंत्र काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, एक उपहार स्वरूप था मदर के लिए। इसके बाद हम लोग जैसे डिसाइड किया गया था, बावली भाई आपसे अनुरोध करूँगा आप थोड़ा आके हमें, पहले से अपने यात्रा के शुरू से आप जुड़े हैं हमारे साथ, इनॉग्रल एक ड्राइव भी दिया था आपने जब हम अत्रुभवन से शुरू कर रहे थे, बहुत काफ़ी अनोखा दृश्य था रात के 12 बजे, वो दृश्य जो जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने अनुभव किया होगा उसको। बाबू जी ऐसे कि मुझे हिंदी तो आता ही है लेकिन गलत भी हो जाएगा आपको हंस के, इसलिए मैं अनुमति ले लिया और मैं उड़िया में बोलूँगा, शायद 99.9% इसमें है जो उड़िया समझते हैं, इसलिए उड़िया में बोलने का मौका देते हैं, मैं खुश होगा। आदरणीय भौणी मैंने एवं स्वाध्याय भाई मैंने, वास्तविक ये जो कार्यक्रम होती ये कार्यक्रम आम जो दिन करूचु से दिनर महत्व सांगे ये कार्यक्रम गोटे बहुत घनिष्ठ संपर्क अच्छे। 114वां जन्मवार्षिकी परम पूज्य बाबाजी भास्कर आज पालन होती प्रेरणा उत्साह तपस्या सबकि फल ओडिशा मासिक कार्य होती
हम जानचु ओडिशार कार्य को अधिक व्यापक करने ये प्रकार एक कार्यक्रम हाथ को निया 1998 मसीह बाबाजी महाराज शरीर त्याग कले तर किछि वर्ष आगुरु से कहवा को आरंभ कले तो मैंने एथर प्रस्तुत ओडिशा बाहर जाए काम करते निराकार किंवा अन्य माने ताक भीतर ए प्रकार गोटे प्रेरणा आसी नथला किंतु 1998 मसीह बाबा जी ऑलरेडी कही सारी और से ही वर्ष ही बाबा जी शरीर थी बेले अक्टोबर मसरे आम गोटे छोटिया ग्रुप रे जटनी शांति बापा जड़े अच्छा सी बहुत उद्योगी तर जड़े अति घनिष्ठ बंधु थे जहाँ घर उत्तर प्रदेश एवं से पाठचक्र मेम्बर थे सी अनुरोध कले आम मानकू आप चलत आम आड़े आमर से संपर्क में विशेष किसी धारणा नाला खाली गोटे से डाकुं आम पूजा छुट्टी की कमी गोटे उचित मार्ग व्यवहार करूँ से गोटे छोट ग्रुप सात आठ जन ग्रुप ट्रेन गलु सीधा अयोध्या अयोध्यार से पूज्य निमेजन महापात्र था सांगे नहीं सही गोटे जीप भड़ा करें उत्तर प्रदेश पूरा बुल पूरा बुल नु इंटीरियर जो जो जगह गाँ मानक विशेषकर टाउन मानक कौट मीटिंग कर नु गाँ मानक जमी कौच आम कहूँ जो भले हिंदी आसे नहीं जो हिंदी आसे हिंदी कहतु तर बुझा दरकार से बुझे हिंदी करेक्ट सहित ग्रामर देखुना कि हिंदी पाठ पढ़ू ना तेणु सी आमको अनुमति देने आम से किसी कार्यक्रम कर जो कार्यक्रम कर गोटे गोटे काजुआल नेचर थिला किंतु केवे भी काजुआल नाला पर जना पड़ा काजुआल नेचर मैंने आम पूजा छुट्टा ये भले कटे गोटे कड़े जा गोटे माँ कम करूँ ये सब सांग गोटे ग्रुप्रे कि गोटे सतरे बहुत विराट कार्यक्रम भविष्य में हो धारणा मन ना आउ थ मोर मन अच्छे छोटे नाण शर्ण मछा डाकिले बिहार कहले तुम्हें जीव मो सांगे बिहार में बुद्धगया गोटे मीट हम से मीट में तुम्हें कह बाबाजी महाराज प्रपतिन छाड़े केमी ओडार काम हो कारण ये काम उपर कह गुरुत्व नहीं समस्त गुरुत्व हो प्रिंसिपल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केमती हे आठ तुम कहते प्रेसिडेंट सेक्रेटरी किसी व्याकुलता नहीं जहाँ कहे कम ही समस्त मुख्य से विषय आप आईडिया देवे मुझे कह आरंभ कली से कहले जे आयोजक से मत आने चुप कहे के पांच मिनट भाई हो मुझू शर्माजी जा शर्माजी कह शर्माजी से मतलब पांच मिनट सारे कौन ना मे संचालक हूँ आ बोलो कितना बोलना है मुझे थर कह आरंभ करता है से भद्र पुणी से कान कौन था आप खत्म हो जाएगा और कितना सात आठ थर मतलब रिक्वेस्ट करते पैंतालीस मिनट से भंगा खंडी हिंदी में कही थी जे एक्चुअली ओडिशा रे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हवा गोटे दायित्व से गोटे पोस्ट नुह से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निजे योग्य अनुभव करते अन्य योग्य अनुभव करते से दायित्व दि जाए सी के पोस्ट पर विकल हाँ समस्ते काम ही व्याकु था एमती विभिन्न प्रकार कार्यता पर जोबले ओडिशा बाहर को जाकर काम आरंभ कला प्रथम बैंगलोर आउट कर बैंगलोर जो मुझे गली जगह मतलब आगुरी कही आप बैंगलोर जाठी देखिए सुजोग जो मिले से बैंगलोर तीन चार पाठ्यक्रम करी और जो रिलीफ सेंटर दुई थर मुझे जिला पाठ्यक्रम करु ये बर्तमान जो कार्यक्रम होटा गोटे कौन तक कहते गोटे अर्गानाइज वे ये काम को व्यापक करा अर्गानाइज वे कैजुआल वे नुह से आम गोटे जस्ट कहीं समय नष्ट कर जो जो जगह जाए किसी ना किसी कम कर चेस्टा करवाया कर किंतु बर्तमान से भाया नुह से अर्गानाइज हुए तुम जमीन समथिंग गोइंग टू बी एस्टाब्लीश अलरेडी आमको मास कार्य ओडिशा फास्ट माँ डिक्लेयर कले ओडिशा फास्ट मानते ओडिशा भितर केमी हम ओडिशा जब फास्ट हुए ओडिशा भितर कर फास्ट बोली आम एस्टाब्लीश करा चाहूँ यहाँ एस्टाब्लीश हम गोटे न्यासनाल लेवल जितिय स्तर में समस्ते माँ सुंदर जानवे आम माँ को जड़ेवाई बाहादुर नाप चाहूनु
आमर आग्रह आम इच्छा आम इच्छा हूँ जमी समग्र भारत बर्ष सबुआड़े माँ शिवंदु जानवाक लोक सुजोग पात जाटा ही ओडार दायित्व एक कथा बाबाजी भाई जो संकल्प थी बाबाजी संकल्प था धीरे धीरे सीपे बहुत चिठी अच्छी से बहुत बेस मानते कौन तक कहते उत्साहित लिखती ओडा दिन समग्र पृथ्वीर गुरु हम ओडा भारत बर्ष गुरु समग्र पृथ्वीर गुरु एम देखी बहुत चिठी अच्छे आम पाखे तेणु युवा तो आम भावु बोधे बाबाजी लेखु लेखु लिखी कि बास्तविक का नुह तार गोटे अर्थात गोटे निहाती सेन्स अच्छी गोटे प्रकृत अर्थ मुझे जो भाई भाई कार्य करकृत जो दिन से आरंभ कले बाहर कालपटा तो मात्र साढ़े बारटा बारटा पर मतलब एक कह आम जहाँ डेरी हम आप शुभ उठेबू आम शोवा प्रश्न ना आम सब उठे चिका शोलु कमी गेट्रे हर्न बाजला गाड़ी फिटा आम सब उठी पलि आसलु किए कौन पिंधा किए लुगी पिंधा किए खाली देखे कौन कर किसी ड्रेस पिंधे बड़ ना समस्त सेमती आसिक समाज बस मेडिटेसन होगा मत निराकार कह आप दस पंद्रह मिनट समझ कहतु दैट वाज माय स्पोन्टेनियस फिलिंग इट्स नॉट ए मेड फिलिंग और थर्ड फिलिंग कि नुह चिंता कर विचार कर प्रश्न ना रात बारटा गोटे बेले किए भाषण था कह भर गोटे करोना आस हटा तेनाली स्पोन्टेनियस फिलिंग है जे टीम कौन करेस्पनसबिलिटी कौन एम गोटे जितिय स्तर में प्रतिष्ठित होगा जितिय स्तर में निज्क प्रकाश करा जितिय स्तर में केवल भितर गोटे ही आग्रह उत्साह से आग्रह उत्साह होती लेटस मेक अदर्स रिच मदर एंड शिविंद माँ शिविंदु को अन्न मान पाखे नहीं पहुँचवा यहाँ हूँ केवल आम दायित्व दैट वाज दि रियल विश अफ बाबाजी बाबाजी ओडापी कहते सब गाँव में पाठ्यक्रम सबू गाँ आम अशहे पचास तम से स्लोगान रखीचु सब गाँव में पाठ्यक्रम समस्त पाखे बाणी यहाँ ओडा भितर किशा भितर केवल कम जथेष नुह बोली आ गोटे ग्रुप हरले ना आम यहाँ इंडिया अवश्य से धारा पाठ्यक्रम करके आसे से पाठ्यक्रम कंटिन्यू करेंगे मे बी मे नट भी सीटा बड़ कथ नुह कि पाखे माँ और शिवंद पहुँचे केत मुमेंट पर हूँ केत मुहूर्त के समय पर घंटा पर जहाँ पचे से पहुँच पारे आम जो कहू सी मातृभवन आसते नहीं आज्ञा मीटिंग एटेंड करूँ सी प्रसाद सेवन करके आसती आम कहू प्रसाद सेवन पार्टी भी किसी नि जो मैंने मातृभवन आसते मीटिंग एटेंड करेंगे सभा प्रसाद सेवन बेले बहुत भिड़ हो जाए साइड सब पड़े आसती प्रसाद सेवन पर आम जो कहूँ प्रसाद सेवन पर भी आसतु प्रसाद सेवन बाटे किसी नहींक जातु सेमती जी जो बाटे ग्रहण कर सामर्थ्य थी से निश्चय ग्रहण कर सन्धान से जो टीम इगट टू फोर जैंड इंडिया यगट टीम को बहुत बहुत आम उत्साह प्रदान कर समस्त श्रद्धार शुभेच्छा दूँ आप समस्त तरफ धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रसाद त्रिपाठी बाबुली भाई हमें हम उनको प्यार से बोलते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपना अनुभव शेयर करने के लिए वो हमारे साथ बहुत पहले से ही जुड़े हैं और आगे भी वो हमें सहायता और मार्गदर्शन करते रहेंगे यही हमारी आशा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे रानथा मामू हमारे बीच हैं मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मामू ठीक है आज का ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है ठीक है अपने बहुत सहयोग किया हमें वही एडवाइस किए थे कि कुछ बड़े जगह पे हमें करना चाहिए एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन हियर उनके बारे में बोलने के लिए अभी ये शब्द काफ़ी नहीं है वहाँ पे बट मैं उनको अनुरोध करूँगा हमारे मार्गदर्शन करें ठीक है पा माँ श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई भाई मैंने सम्मानस्पद मामू बाबुली भाई और जो बाहर से भी आए हैं हमारा उड़ीसा से तो आए हैं और बहुत मगर उड़ीसा से और दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं। एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छा से मालूम नहीं है मगर थोड़ा थोड़ा बोलूँ सो दैट
जो भाई बहन बाहर से भी है वो समझ जाएंगे। आज बाबा जी महाराज का 114 ईयर्स बर्थडे है। 1908 अगस्त 14 इनका जन्म था। हम लोग सबको मालूम है क्योंकि इनका लाइफ हिस्ट्री पे आए हैं। 7 ईयर्स जन्म से उन्हीं खूब महान थे और जॉब करते हैं वो जन्म से। इनका घर जहाँ थे एक पेड़ था, बहुत पुराना था। वो पेड़ के अंदर में ढुक के माने बैठ के वो आवर्स टुगेदर जॉब करते थे 7 ईयर्स एट दी एज ऑफ 7 ईयर्स। सो जॉब एक्चुअली इनका जन्म से वो महान थे। उसी टाइम सीताराम जी को मालूम था, माँ भगवान थी इनके लिए उसी टाइम। और इसका बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, थोड़ा टाइम। जब अयोध्या जाने थे गए थे वो कहाँ भी चाकरी नौकरी छोड़ के वो जब गए उड़ीसा का, तो किसी को बोले नहीं था मगर हृदय में था वृंदावन जाऊँगा, अच्छा गुरु वहीं मिलेगा, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कहाँ भी मिलेगा। भगवान को प्राप्ति करने के लिए इनका दृढ़ संकल्प हो गया था जब उड़ीसा छोड़े। मगर अब जब स्टेशन गए ट्रेन में मैंने उठ गए और ट्रेन जब पहुंचा ना वृंदावन नहीं अयोध्या जा ट्रेन है, वो अयोध्या में उतर गए। और अयोध्या में सब लोग थे उन उतर के पूछ लिया जे किसी का यहाँ कौन सा अच्छा आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, महात्मा ही है। वो एक आदमी बोले कि मैं ले जाऊँगी, तुम पहले स्नान करके आ जाओ। उन्हें स्नान करके आ गए। तो उसी टाइम इनका पान खाने का हबी था, पान खाते थे। सो वो तो बोले कि सोच लिए कि जब स्टेशन से निकले देखे कि पान का दुकान है, एक आदमी बेच रही है। वो अंदर में आया तो गुरु कर देंगे तो और पान नहीं खा सकते, एक बार खा देंगे। जब पान खरीद करने के लिए वो बोला उन लोग को आदमी को, वो उनके इतना गाली दिया जो वो खड़े नहीं हुआ पाया। वो बोले कि ठीक है हम चले, गुरु करने के लिए जा रहे हैं, आपको पान खाने के लिए इतना क्या इच्छा है। मगर वो ले गए मौनी बाबा, बहुत बहुत बड़े महात्मा थे वो मौनी बाबा को। एक्चुअली वहाँ वो गुरु वो इनका गुरु थे एक्चुअली मौनी बाबा, रघुनाथ दास जी का वो शिष्य थे जो मौनी बाबा। बहुत बहुत महान माने महात्मा जो हो उड़ीसा का, हम इंडिया का, भारतवर्ष का। और जब 6 महीना पर बाद में जब पान देखे जब खाए वो बोलते थे हम लोग का जो घास जैसे था वो टेस्ट आ गया। सो वो पान का अटैचमेंट भी चल गया। अच्छा बाबा जी जब थे शरीर छोड़ने से पहले खूब कम दिन पहले मुझे बोले कि हम लोग तो इनका एडवाइस में उड़ीसा का महिलाओं कैसे काम करते थे, सामियापा है यहाँ डॉक्टर श्यामा का नंगो। और मैं जब आती थी ना पढ़ने से, जब मेडिकल पढ़ रही थी उसी टाइम, तब से आते हैं यहाँ बाबा जी पहले से हमको बोला तुम लोग उड़ीसा का महिलाओं में काम करेंगे। बाबा जी जो बोलते हैं हम लोग तो यही सिरोधार्य है। तो हम लोग दोनों ही हमारा साथ और भी बहन भी आ गई और हम लोग का उड़ीसा का महिलाओं में काम किया। कुछ पहले कुछ साल बाद बाबा जी अराउंड 1992 इनका थोड़ा ऑपरेशन था, तब मैं जिपमर में इनका अटेंड कर रही थी। एक दिन दोपहर के बोले कि तुमको अभी छोटा उम्र से महिलाओं का छोटा उम्र से काम करना है, आई मीन गर्ल्स का माध्यम में तुम काम करना है, एडोलेसेंट गर्ल्स। उसी टाइम से हम लोग को उड़ीसा में एडोलेसेंट गर्ल्स का एक्टिविटीज होता है, और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करते हैं एनुअल भी एक स्टेट लेवल एडोलेसेंट गर्ल्स मीट होता है और स्टेट लेवल महिला सम्मेलनी, महिला पाठचक्र का सम्मेलनी होता है उसी दिन से। हम लोग अभी प्लान करते हैं कि जब बाबा जी शरीर छोड़ने से पहले एक बार बोले कि तुमको याद रखना चाहिए भविष्य में भारतवर्ष की महिलाओं समाज में तुमको काम करना है, इनका व्यवस्था तुमको करना ही है। उसे मैं अकेला था उसी टाइम और मामू भी बोलते थे, उनके भी बोले थे। तब भारतवर्ष के कैसे होगा क्या होगा हमको मालूम नहीं थे, मगर बाबा जी जब बोले हैं वो बहुत भविष्य का दृष्टा है। सो
बोले मीन्स आई एम क्वाइट अश्योर डेफिनेटली कुछ मार्क बनेगा और हम लोग के काम कर पाएंगे। अब जब निराकर भाई गए उसी दिन में मुझे मालूम नहीं था निराकर भाई उसी दिन छोड़ रहे हैं उड़ीसा काम करने के लिए, बाद में मुझे मालूम हुआ। वो बहुत आनंदित हुआ। माता जी का तो पूरा कृपा है क्योंकि बाबा जी जाने से पहले हम लोग को बोले जैसे हम लोग काम कर सकते थे। पबली भाई जो इंसिडेंट्स बोले कि शर्मा जी और हमारे एक साथ गई थी कितने भी उत्तर प्रदेश का अयोध्या भी गई थी, वहाँ एक बार अयोध्या गई हूँ। मगर जब जो निराकर भाई और उनका टीम सब निकल गए 1 ईयर के लिए माता जी का काम करेंगे समग्र होल इंडिया में भारतवर्ष में, ये पूरा पूरे माता जी का कृपा ही है, माता जी का गाइडेंस भी है। और इन लोग जो एक साल भर गए वो इनका डिसीजन था कि हम लोग पांडिचेरी में इन बस बस 15 से हम लोग ख़त्म करूँगी, मगर ख़त्म तो नहीं करेंगे वो चलेगा। मगर हम लोग को बोला कि तुम इतना चैलेंजेस कितना चैलेंजेस यू मस्ट हैव फेस्ड, कितना हाउ यू हैव फेस्ड द चैलेंज और हाउ यू गॉट द कोऑपरेशन, व्हाट वाज द अदर स्टेट पीपल हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, एक्चुअली वो तो इनका शेयर करो। तुम जब आते हैं ना अगस्त 14th को बोले कि अगस्त 14th में हम लोग मीटिंग करेंगे, मैं बोला कि अगस्त 14th में मीटिंग करूँगी। तब काजूनाग गार्डन में हर साल हम लोग इवनिंग को एक्चुअली आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं और वही हम लोग का थोड़ा प्रसाद देती हूँ जो लोग आते थे। हम लोग का ये जो निराकर भाई का जो सजेशन था सुना, मैं बोला कि उसी दिन हम लोग काजूनाग में करेंगे। और आज को तो 6 बजे आश्रम का एक प्रोग्राम है, खूब वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम बाय द आश्रमेट्स, सो हम लोग तो वहीं पहुंचना है। इसीलिए निराकर भाई टाइम धार्य किए कि 2 से 4 करेंगे, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत माँ की प्रसपास में बहुत कृतज्ञता है। हम लोग आगे भी सब काम करेंगे, ये तो माँ की काम, हम लोग का ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग ना बुद्धि ना शक्ति ना कुछ नहीं है। इन लोग जब निकाले ना पैसा पास में थे ना कुछ, और मैंने कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ काम करेंगे, कैसा करेंगे, सब अनिश्चित तो मैं इन लोग एडवेंचर में किया था। और माता जी इनको ले लिया, माता जी भी काम किया था। इसीलिए एक्चुअली हम लोग का माँ की चरण पर कृतज्ञता डालना चाहिए। वंदे मातरम। हम लोग का और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हम लोग प्लान करते हैं कैसे नेशनल लेवल वुमेन कॉन्फ्रेंस हो सकता है। हम सब लोग भी एस्पिरेशन करेंगे, माँ की प्रार्थना करेंगे, वो हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। ये 10 साल बहुत ही अच्छा ही है, 150 ईयर्स बर्थ सेंटिनरी ऑफ श्री अरविंद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की अप्पा। ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू है, कृतज्ञता के आंसू है। मुझे पता है क्योंकि हम लोग ये लोग जब से काम कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आज बाबा जी का जन्मदिन भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, ये उन्हीं की सब इंस्पिरेशन है पूरा, उनके आर्मी के पार्ट हैं ये सब। बाबली भाई जो देखे आप, टिक्की अप्पा मामू अभी आएंगे, ये बाबा जी के आर्मी के पार्ट थे। उनके जो विजन थे कि सारे भारतवर्ष में पाठचक्र का ये आंदोलन और अच्छे से मदर का काम कैसे आगे बढ़ेगा, उनका सपना था। और सिर्फ सपना ही नहीं था, उन्होंने उसके पीछे बहुत सारा काम भी किया था, जिसका फलस्वरूप शायद आज हम ये पूरे भारतवर्ष आज घूम के यहाँ पे पांडिचेरी आए हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, ऐसे भी मेरे पास मैं बहुत कुछ बोल जाऊँगा इसके पहले। मामू अगर आप हमें आके थोड़ा कुछ, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वी हैड एंड ये आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, समय की सीमित तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब कुछ शायद नहीं शेयर कर सकते, बट आप लोग आए हैं इतने धूप में यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं और एक चीज़ बता दूँ, जब हम लोग ख़त्म करेंगे जो फाइनल जो मेडिटेशन होगा वो बाबा जी के लिए भी हम लोग 5 मिनट प्रार्थना आज करेंगे, उनकी जन्मतिथि है तो उसके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे। मामू
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ମୋତେ ଚିକ୍କଣ କରି ଆସେନି। ମୁଁ କିଛି ବି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନି, ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ବୁଝିପାରେନି, ତେଣୁକି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ହସିବି କାହିଁକି ହସ୍ତ ହୋଇଥିବି। ଏଠି ଗୋଟେ କାମ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ କାମ କରିବା ଲୋକ, ସବୁ ୱାର୍କର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମା' କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, ମା ଓ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାଧାରଣତଃ ସାଧକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଠେ ବା ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହନ୍ତି ବା ତନ୍ତ୍ରବିତମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସାଧନାରେ ତ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଓ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଧନାରେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଏ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ। ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ବି ଟେଲ୍, ଯେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କେମିତି ନେବ ଜଣେ କିଏ କହିଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହେଉଛି ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାଟେରିଆଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ମାଟେରିଆଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମାଟେରିଆଲ୍, ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କହିଦିଆଯିବ ପର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ ଘଟିବ। 1912 ମୁଁ ଏଇ କେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନୀଳାକରରୁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। 1912 ମା ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ, ସେଇଟା ୱାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦୁଇଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନିଜର ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଧାରାରେ କହୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କନସିୟସ୍ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଗୁହା ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠିଛି। ଆମେ ସେ ମା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ, ତାପରେ କେଉଁଟା ମନ, କେଉଁଟା ପ୍ରାଣ, କେଉଁଟା ଦେହ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ କରିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଗାଇଡ଼ କରିବା, କାହାକୁ ଧରିବା, କିଏ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବ, ଚାଲିଲା ବେଳେ କିଏ ଆମ ହାତ ଧରିବ, କିଏ ଟାଣି ନେବ ଆମକୁ ହାତରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସୋଲ୍, ବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିଫର୍ ହୁଏ, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ କହିବି, ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେ ମାନେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଦି ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରବୃନ୍ଦ, ମା ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ଲି କହିହେବ ଅନେକ କଥା। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଦରକାର ସେ ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁଠୁ ଟଚିଂ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବା, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ତୁମେ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ତୁମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ହସିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାବରେ ଥାଏ, ତୁମେ କାମ କରୁଥାଅ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇ ଅନୁଭବ ସବୁ କାମରେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କାମ। କାମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଆମ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ମାଆଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଜଣାପଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କାମ କଲାବେଳେ ନେଭର୍ ଟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦି ମଦର୍, ନେଭର୍ ଟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମାଆ ଭୁଲି ନଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ନା, ଭୁଲି ନଯିବା। ବହୁତ ମଜାରେ ମାଆ କହିଲେ, ସବୁଠୁ ମନେ ପକାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭୁଲି ନଯିବା, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହଉ ପଛେ। ମୋର ଥଟ୍ସ ଆଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝୁଅଛି, ମୋ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କି, ଅର୍ ମୋ ଇମୋସନ୍ସ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ବି କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦି ମେସେଜ୍, ଏକୁ ଏକ ଦୁଇ ଯେମିତି କରିପାରୁ। କାରଣ ମା ଓ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକାବଳୀ, ପୁସ୍ତକାବଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ, ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍।
the words of used by Mother and Sri Aurobindo, they are never words, they are living beings. Ebong se living beings ko sibhabhabe ame treatment dau paribo. Ame se dekhibaku padibo. Taku jetebele tume padibo, se living beings start working the inner kingdom of the person. Nija bhitare thiba अंतरात्मा एक अंश रही ए लिविंग बिंग्स मैंने कम करती ता दिए एवं एंटायर मैथमेटिक्स चेंज कर दिखती एंटायर चेंज कर दिखती एटी आउ एक घटना घटे आउ एक घटनाटा कौन से हूँ गोटे परमुटेशन कम्बिनेसन घटना एक दुई मैक्सीम कौन हम दुई एक हम एपट सेपट कले एक दुई तीन हेल्ले अलग अलग होन दुई एक हम तीन एक दुई हम दुई एक तीन हम बढ़ीज ताको उदाहरण दे कहले जे पृथ्वीर वायुमंडल पृथ्वी को रूपांतर करने जो धारा चलता से एक बहुत आक्टिव परिवर्तन घटी कौन से ना आउ एक एलिमेंट पशि जाइए एवरीथिंग हैज चेंज दैट एलिमेंट इज द सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस अतिमांश चेतना और शक्ति यही कथा मुझे आरंभ कही अन्न कह अलग लांगुएज यूज करूँ एटी जो मैंने अच्छा दे आर भेरी नियर एंड डीयर बिलंग टू बिलंग टू वन फैमिली एटी लांगुएज अलग करूँ ये भाव में चेंज होती जहाँफल असंख्य संभावना सृष्टि एवं देखार कथा आम भितर आवश्यकता अनुसार मन रखा यहाँ आम भितर आवश्यकता अनुसार बाहर आम जीवन घटनावली सब घटे बाहर जीवन घटनावली सूत्र जब आम खोज पाइबा कहीं घटला मो जीवन या जीवन घटलानी ता जीवन घटलानी मो जीवन कहीं घटला ता कारण हूँ भितर खोजा पड़ो कौ अंशर आवश्यकता अनुसार बाहर सिचुएसन क्रिएट होचुएसन को चेंज करी जब भितर चेंज हे चेंज युअर सेल्फ एंड दि सर्कमस्टेन्सेस विल चेंज ता मैंने अर्थ कौन ता अर्थ हूँ एक विशाल जित्रार ये हूँ सूत्र यही सूत्र को धरिकी आम जीव जितेबले कहते कि नरेन्दा माँ का देहत्याग पर नलेज पे डाकिले डाकती गोटे दीक्षांत भाषण देला भाया कहते समस्त को डाकिले बसइले कहले मुझ तुम कह इच्छा करी कि कहीदे गोटे कथा कौन से कथा ना से कथा हूँ माँ कौन कर ह्यूमानिटी साधारण मनुष्य मानक अंतरात्मा को सम्मुख को नहीं आड़िया कह पहुँच दूरतार रखिंट रिचेबल पॉइंट कौन कर मनीष भितर अंतरात्मा इट इज भेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज द सोल आत्मउपलब्धि एटे सहज नुहे किंतु माँ समग्र मनुष्य समाज पर गोटे मिराकल कर से क्या क्या कले कौन कहते ए उठ उठ सूर्य आसलाणी सूर्य आसलाणी एक्जाक्टली से कम करा यही कम पश्चात माँ का एक साक्षात उद्देश्य और उपस्थित रही जड़े जो प्रेरणा अनुभव करुच्ची इमोशन मिसी न जाए थॉट्स मिसी न जाए तो सीधा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट हाइट इच्छा होम करने इच्छा को देखा पड़ो स्लोली आनालाइज कर पड़ो व्वेर इट इज कमिंग एवं इट कम स्ट्रेट जे समस्त जनईदबा आमती किसी नुहे आम भाई साहस नुहे जनईदबा जान शुण विशाल पर जाऊँगी कहीं आगु ए विषय चिंता करना मु पर्सनाली आम प्राउड अफ इट नहीं अनेक बही पढ़ी कहीं भी कही ना पृथ्वीर पर विषय समस्त लास्ट देख शेष जन भिआईपी साधु ऋषि मैंने पचराई आपड़ जहाँ जानते गोटे सेन्टेन्स ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत जे कि चेंज हो पारे ना ये विषय मुझे कनभीन्स समस्ते कहते एकमात्र श्रीअरविंद आउ गए डिफरेंट पिक्चर अफ दि वर्ल्ड देखते एकदम डिफरेंट पिक्चर ए जहाँ जहाँ देखो ना यहाँ ट्राजेडी सीन कमेडी सीन आ परटा ए व्यस्त टीवी ऑफ कर दिये देख टीटा पूरा ये या पर जो आसूँ कमेडी सीन एवरीथिंग विल चेंज कहीं माँ कहले जितेबाला कोई लोक दुख कष्ट पढ़ कर मो पाक आसे मुँह कौन कै ताकि दुख कष्ट कंटाटा को एपट कर दिए एमती कर दिए सांगे सांगे ता भितर दुख कष्ट चल जाए से शांति आनंद भर्ती हो जाए चली जाए पुणी डाक से आए कहीं पुणी रहीकि माँ कहले दिन आसब समग्र पृथ्वीर कंट्राक्ट को एमती कर दी एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन एकदम सब चेंज हो आरंभ कर यही आशा विश्वास अच्छी से सकाशे उन्नीस कोड़े पर माँ पुराणी के डाकिले श्रीवृंद पुराणी की कहले कह मु घर लगे जाने मीरा मीरा बिल्ली माँ को कहते
ମୀରାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଅତିମାନ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏଇ ରେକଗ୍ନିସନ, ଆମ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, କନଫିଡେନ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ରେକଗ୍ନିସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସିଜ୍ ଦ ମଦର, ସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ, ସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ, THAT କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି, ସିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ, ଏଇ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଯିଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସାର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଏଇ ଅନୁଭବରୁ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ କାମ କରିଯାଉଛୁ, କିଛି ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ଘଟିନି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଖି ରହିଛି। ୱି ଆର୍ ନେଭର୍ ଆଲୋନ୍, ଏବଂ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ। ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କିପ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ୟୁ, ଆଭଏଡ୍ କେୟାରଫୁଲି ଅଲ୍ ଭଲ୍ଗାରିଟି ଇନ୍ ୟୁର୍ ସ୍ପିଚ୍, ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ। ଡୁ ନଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲିବର୍ଟି ଫର୍ ଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଲା, ଥଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ପିଓର୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ। ଥଟ୍ସ କେମିତି ଏଇଟା କହିହେବ, ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ପିଓର୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ। ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୁଁ ତମେ ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି, ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥାର୍ସ ଟିଏ ଥାର୍ଟ ମାନେ ଶୋଷ ଗୋଟେ, ଏଭଳି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶାଳ ଶୋଷ ଗୋଟେ ଯେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନି, ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ କରି, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ମୋ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାହସ ନାହିଁ, ତମେ ତମେ ହିଁ କୁହ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜୟ, ଅଲ୍ ପିସ୍, ଅଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଫାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇଲ୍ ଡିସ୍ଆପିୟର୍। ଆମ କାମର ଭିତ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା କାମ ଆଉ କୌଣସି ଭିତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ କାନିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା, ତ ଯୁଆଡ଼ିଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୂଆ ରକମ ଜଗତ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ଜଗତ ଯେ ଭିତରେ ଖୋଲିବ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆମର ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲାଇଫକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ, ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଏକ ମହନୀୟ ଜଗତର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଆଖ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବାରେ ଏ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମହାରାଜ ମୋତେ କହିଲେ ବିହାର ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମହାରାଜ ହିନ୍ଦୀ କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣେନି, ଆଉ କିଏ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ବି ବୁଝିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ଛୋଟନାୟନ ଶର୍ମା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବୁଝିବା ବି ଟିକେ ନାକରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏନି ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କୁହନ୍ତି ନା, ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମହିମା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମେ ବୋଲ ରହେ ଥେ, ବଟ୍ ମୁଝେ ଆଇ ଏମ୍ ଶ୍ୟୋର୍ କି ଆପ୍ ଲୋଗୋ କେ ଦିଲ୍ କୋ ଛୁ ରହା ହୋଗା ଓ ବାତ୍, ଏସି କୋଇ ବାତ୍ ଓ ଆଉଟସାଇଡ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଶୋଭିନ୍ଦୋ କେ ଲାଇଟ୍ କେ ବିନା କହତେ ନାହିଁ। ଅର୍ ବାକି ସବ ତୋ ଉନକା ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଅର୍ ହମାରେ ଉପର ୟେ ପୁରେ ଜର୍ନି ମେ ଥା, ବଟ୍ ଏକ ଚିଜ୍ କେ ଲିଏ ମେ ଉନକେ ଆଜ ୟେ ମଞ୍ଚ ୟୁଜ୍ କରନା ଚାହତା ହୁଁ, ଉନକୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନେ କେ ଲିଏ। ହମ ଲୋଗୋ ନେ ଜହାଁ ଜହାଁ ବି ହମ ଲୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଏ ପୁରେ ଦେଶ ଭର ମେ ଜିତନା ବି ହମସେ ହୋ ସକା, ୱହାଁ ପେ ହମନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋ କେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ କୋ ୱହାଁ ପେ ଉନକେ ପାସ୍ ପହଞ୍ଚାୟା, ଅର୍ ମେସେଜ କାର୍ଡ ମାମୁଁ ପୁରେ ସାଲ ଭର ହମେ ପହଞ୍ଚାତେ ରହେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମୁଁ, କଭି ବି ମନା ନହିଁ କିଆ, ଜବ ବି ମେ ଫୋନ୍ କରତା ଥା ମାମୁଁ ହମେ କାର୍ଡ ଚାହିଏ, ଖତମ ହୋ ଗୟା, ଓ ସିର୍ଫ ପୁଛତେ ଥେ ତୁ ବୋଲ କିତନା ଚାହିଏ ତୁଝେ, ୟେ ନହିଁ ବୋଲତେ ଥେ ମେରେ ପାସ୍ ଖତମ ହୋ ଗୟା, ଓ ନହିଁ ୟେ ସବ ନହିଁ, ସିର୍ଫ ପୁଛତେ ଥେ ତୁଝେ କିତନା ଚାହିଏ, ମେଁ ବୋଲ ଦେତା ଥା ଅର୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ ପେ ସହି ସମୟ ପେ ଓ ଉପଲବ୍ଧ କରା ଦେତେ ଥେ, ଅର୍ ଉସକୋ ଲେକେ ହମ ଲୋଗ ପୁରେ ଦେଶ ଭର ମେ ଉସ ସ୍ୱପ୍ନ କୋ ଲେକେ ପହଞ୍ଚେ। ମାମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଚପନ ସେ ହି ଏହି କାମ କରତେ ଆଏ ହେଁ, ସାରେ ଭାରତ ସବକୋ ଓ ମେସେଜ କାର୍ଡ ଦେତେ ହେଁ, ମଦର ଆଣ୍ଡ ଶୋଭିନ୍ଦୋ କେ ମେସେଜେସ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ ମାମୁଁ ଫର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାତେ ହୁଏ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେ, ମେଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଙ୍ଗା ଓ ଏ ସେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ,
माता जी को असीम कृतज्ञता कि आज हम इस पवित्र भूमि पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जन्मभूमि से तपोभूमि, श्री अरविंद के जन्मभूमि कोलकाता से श्री अरविंद की कर्मभूमि या तपोभूमि पांडिचेरी। ये जो यात्रा था, ये जो यात्रा था, ये कोई पर्टिकुलर एक गोष्ठी एक ग्रुप का नहीं था, ये हम सबका था। ये जो यात्रा था, ये जो यात्रा था, ये एक स्थूल यात्रा नहीं था, एक चेतना का अभियात्रा था, एक दुस्साहसिक अभियात्रा था। तो ये जो रास्ते ये जो रास्ता था जन्मभूमि से तपोभूमि तक, ये रास्ते में जितने सारे घटनाएं घटी, जिन जिन चीजों से हमारा मुलाकात हुआ, उन सब में से जो जो हमारा अनुभव आए, ये सबको अभी हम सबके सामने स्थूल रूप से बयान करना ये बहुत बड़े मुश्किल चीज है। क्योंकि एक साल में हमारा यहाँ तो एक मुहूर्त में एक मोमेंट में कई सारे घटनाएं घट जाती हैं। तो एक साल में क्या क्या घटेगा इसको बयान करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। तो जो भी हो, हम एक 23 या 24 मिनट का वीडियो में हमारा यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश किए हैं, जो हम कोशिश किए हैं दो दिन में प्रस्तुत करने के लिए। उसमें कुछ त्रुटि भी हो सकता है, मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य के साथ ये 23-24 मिनट हमारे साथ गुजारें और माता जी के चरणों में असीम कृतज्ञता ज्ञापन करें। श्री माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। श्री मां श्री अरविंद के पद चरणों में प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर वो दिव्य उपस्थिति को मेरा प्रणाम। ये जो 23 मिनट का वीडियो देखे आप, तो इससे ये एक बहुत ही शॉर्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग था, क्योंकि माँ ने हमारे लिए क्या किया है उसको व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। हर क्षण आज हम यहाँ पे बैठ पा रहे हैं उस पे भी उनकी कितनी कृपा है उसको हमें अंदाजा ही नहीं है। और ये पूरी यात्रा में क्या क्या अनुभव हुआ है उसको भी, जैसे अभी बोल रहे थे, शब्दों में व्यक्त करना ये हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी जितना हो पाया इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश किए। जन्मभूमि टू तपोभूमि, जिसको हम एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक चेतना का परिवर्तन निमित्त हुआ है। जैसे हमको लग रहा है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, ये एकदम सही है कि अभी समय आ गया है कि श्रीमान श्री अरविंद की वाणी, उनके विचार हर एक कोने में पहुंचना चाहिए, घर घर में पहुंचना चाहिए। और हाँ, जिनको ये अवसर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके किसी को कुछ सिखा रहे हैं या हम कुछ परिवर्तन ले आएंगे। इसके माध्यम से हमारे खुद हम खुद के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, हम जो एहसास कर पा रहे हैं, ये इसका तुलना, इसको जैसे मैंने कहा, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसको एक्सप्रेस करना असंभव है। तो चलिए, जो हमारे साथ थे, जो हर पल जिनको हम देखे भी नहीं थे, जैसे वीडियो में आपने देखा कि कितने अनजान व्यक्ति आके इस कार्य में शामिल हुए हैं, जिनको हम पहले एक जो श्रीमान शेरविन से पहले जुड़े भी नहीं हैं, फिर भी वो किस किस वक्त किस किस क्षण हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन सब को हमारे अंतर से हम कृतज्ञता देना चाहते हैं। और अभी हम इस अनुभूति सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे।
ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें सबसे अनोखा चीज जो अनुभव हुआ, जो क्षेत्र में हम पहले कभी प्रवेश नहीं कर पाए हैं उन क्षेत्रों में भी इस बार हम प्रवेश कर पाए हैं, क्योंकि ये जो साल है इसमें श्रीमान श्री अरविंद का साक्षात कृपा, डायरेक्ट ग्रेस हमको अनुभव हो पा रहा था, क्योंकि जो चीज कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था वो भी संभव हो पाया है। तो चलिए हम कुछ अनुभूति अभी सुनते हैं। तो मैं पहले निवेदन करना चाहूंगी सुरेंद्र भैया से, वो इस यात्रा के दौरान अपनी अनुभूति को हमारे सामने व्यक्त करें। सुरेंद्र भैया, सुरेंद्र भैया के बाद मैं। श्री अरविंद, यह उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। सितंबर 18 तारीख को जब सेकंड शिफ्ट हमारा शुरू हुआ कलपड़ा घाट से, वहाँ से मैंने उसी सेकंड शिफ्ट में जर्निंग में ज्वाइन किया। ये जो एक साल मैंने ये जर्निंग में था, मैंने बहुत कुछ सीखा। जो 25 साल मैंने अपने आश्रम में रह के नहीं सीखा था, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करना है, कैसे दूसरों के साथ मिलजुल होना है, कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, और नए नए जगह को जाने से वो जो नए नए एक्सपीरियंस आता था वो हमको कैसे आगे लेना है, और जो हमारा जर्निंग है जर्निंग ऑफ कॉन्शसनेस है उससे कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ हमको मालूम हुआ। और इसलिए मैंने जो एक साल की ये जो जर्निंग में था, एक साल के लिए मैं आया था, लेकिन ये जर्निंग मुझे इतने अच्छा लगा कि मैंने पूज्य निराकर भैया जी को मैंने बताया कि ये जर्निंग जब तक रहेगा तब तक मैं आपके साथ काम करूँगा। थैंक यू। श्री माँ श्री अरविंद, यहाँ उपस्थित सभी के अंदर वो दिव्यता को मेरा प्रणाम। ईगल टू फोर्ज अहेड टीम के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम हो चुका था, जैसे कि वीडियो में आप सभी ने देखा, स्कूल्स कॉलेजेस जेल कोर्ट सभी जगह पर प्रोग्राम हो चुका था, लेकिन और एक जगह बाकी था जो कि एक अनजान गांव, एक अनजान घर में रहकर पाठचक्र करना, जो मौका मुझे और मेरे साथ एक छोटी सी बहन है सुमा को मिली थी। एक बार क्या हुआ, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूरी में एक गांव था मोहनलालगंज, वहां पर एक प्रोग्राम हमारा हुआ था। वो प्रोग्राम के बारे में जब एक गांव की, एक छोटे से गांव था, वो छोटे से गांव के जो प्रधान जी थे, जब वो हमारे प्रोग्राम के बारे में सुने वो काफ़ी प्रभावित हुए और वो चाहने लगे कि उनके गांव में एक प्रोग्राम, एक पाठचक्र होना ही था। तो ये खबर जब मुझे मिली तब मैं भैया को कहा, निराकर भैया को, उन्होंने बोले कि मुझे देखो ये जो गांव है ये 30 किलोमीटर की दूरी में था लखनऊ से, तो उस गांव को तुम्हें ही अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेले ही वहां पर पाठचक्र करना पड़ेगा। ये बात जब मैं सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए, कैसे मैं अकेले एक अनजान गांव और मुझे हिंदी में वैसा बोलना भी नहीं आता है और कैसे मैं वो गांव को जा सकती हूँ अकेली लड़की। तो मैं ये बात रात भर मैं सो नहीं पाई, माता जी से प्रार्थना की कैसे मुझे वो साहस मिल पाएगा जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो सुबह जब हुई तो मेरे साथ सुमा, जो हमारे ग्रुप में बहुत छोटी है, वो मेरे साथ निकली। जब हम दोनों निकले तो माँ नाम जप से ही हम शुरू किए, तो माँ नाम जप करके हम बस स्टॉप में जब जाते हैं, उस गांव के पास एक बस स्टॉप था, तो वो गांव के जो प्रधान जी थे, जो किशोर भैया थे, वो किशोर भैया हमको लेने उनके गाड़ी में आए
और उनके गाड़ी में हम गए, जो जब वो हमको देख रहे हैं एक इतने खुश हो जाते हैं जैसे कि कोई घर का लोग उनके घर में आ रहे हैं, वैसे ही वो इतना खुश हो जाते हैं। तो उनके घर में हम जब जाते हैं तभी हमको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि कोई भगवान उनके गांव में पैर रख दिया हो। मैं ऐसे आरती हमारे करते हैं, हमको दिया जलाकर धूप दीप सभी के साथ हमको इतना आरती करते हैं, हम देख के चकित हो जा रहे हैं, अरे हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम क्या क्यों यहाँ आए हैं और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो हम 2 दिन के लिए उनके घर में हम गए थे, लेकिन हम 8 दिन वहाँ हम रुके। तो वो हमारे इतना ख्याल रखते थे, खाने पीने सभी का इतना ख्याल हमारे रखते थे। और चकित की बात है ये है कि उनके पास जो गाड़ी था, एक कार था, वो कार के जरिए हमारे एक दिन में ही दो प्रोग्राम करते थे। जैसे कि सुबह के वक्त वो एक स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ जाते थे, और शाम को एक नए गांव में भी प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ जाते थे। और वो खुद वो गांव के जितने घर है सभी घर को वो जाते थे, और सभी लोगों को बुलाकर एक जगह पर वो इकट्ठा करते थे और वहां पर हमारा प्रोग्राम होता था। तो ऐसे ही हमारे एक ग्रुप में जो हमारे जो टीम है, पूरे टीम, वो पूरे टीम को लेकर 2 कार्यक्रम हुआ, और उसमें एक कार्यक्रम था निराकर भैया के। तो जब भी हम माँ के काम करने जाते हैं हमारे अंदर एक भय होता है कि हम अकेले लड़की कैसे, हम दूसरे गांव में हम कैसे जाएंगे, एक ऐसा भय होता है। लेकिन ये भय को दूर करने के लिए अगर हमारे अंदर एक साहस होगा तो आगे सब रास्ता हमको दिखाई पड़ जाएगा, अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन हमारे अंदर में वो साहस होना चाहिए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बस हमको 3 मिनट मिला था बोलने के लिए, माता जी के एक में मैसेज पढ़ना चाहूँगी। जब हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो माँ के शक्ति हमारे साथ सदा ही रहेंगे। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन मदर। ने कहा ऐसे कुछ कुछ अद्भुत अनुभूति जो कि पहले कल्पना नहीं किए थे या पहले कभी उसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे, वैसे कुछ क्षण हमारे साथ हमको ऐसे कुछ कुछ स्टेट से अनुमति पत्र मिले हैं। वो कैसे मिले हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सके थे या वो कभी हम कल्पना में भी नहीं आया था कि ये कभी हो सकता है, तो वैसे कुछ क्षण अभी हमारे साथ बांटेंगी लिपिका दीदी। दीप्तजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद और यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर की उपस्थिति, दिव्य उपस्थिति को हमारा प्रणाम। आज पूरा हम सुन रहे होंगे कैसे ये पूरा साल बीता, हर एक मुहूर्त, जैसे दीदी बता रही थी, हर एक मुहूर्त ही स्पेशल था जिसको शब्दों में बताना बहुत ही कठिन हो रहा है। तो जो एंडोर्समेंट की बात बोली गई, ये जर्नी जब शुरू हुआ तो हम ढूंढ रहे थे स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोग्राम करने के लिए, उनको कन्विंस कर रहे थे कि ये कितना ज़रूरी है। पर सब तो कन्विंस हो और सब अपने स्कूल में या कहीं पे प्रोग्राम करने के लिए देना, ये मुश्किल था। तो उसी बीच क्या हुआ, ये जर्नी भी चल रहा था और हमारे ग्रुप के संजीव भैया वो दिल्ली जाके मिनिस्ट्री लेवल में कोशिश कर रहे थे कि कैसे कुछ हमें एक हेल्प मिल जाए, कुछ कुछ अगर परमिशन मिल जाए तो ये हमारी जर्नी में हेल्प करेगा। तो वो 1 महीने के लिए कोशिश करके पूरा, मतलब उनको वो और लगा कि वो नहीं हो पाएगा, उस समय वो लौट रहे थे दिल्ली से, गांव लौट रहे थे। जब जर्नी में थे, ट्रेन में थे, तो उन्हें एक मेल आया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है सभी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय के सभी स्कूल में भारत में जितने सारे हैं वहाँ पे करने के लिए परमिशन मिलेगा, मिल गया है। तो उस समय हम थे सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जा रहे थे, तो गुवाहाटी से हमारा एटलीस्ट एक चीज कंफर्म हो गया कि हम जहां जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में तो प्रोग्राम होगा ही।
तो ये एक हमें एक हेल्प किया, जहां जहां एक नया नया जगह जाके वहां प्रोग्राम करने के लिए भी हुए हेल्प हुआ। फिर जैसे बताया गया कि सिलीगुड़ी वहां तक हमारा प्लान बना था, एटलीस्ट कोई कोई कांटेक्ट थे और सेंटर्स के कांटेक्ट भी कुछ कुछ थे, पर उसके बाद कहां जाएंगे, क्या हमारा नेक्स्ट लोकेशन होगा, उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी हमने सोच नहीं पा रहे थे। तभी अचानक एक लखनऊ से एक भैया का कॉल आया और वो इस यात्रा को जान के बहुत खुश हुए और आगे के सहयोग के लिए हमें बताए। तो उनके फोन कॉन्टैक्ट्स के जरिए हम आगे बढ़ते गए, गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी का कॉन्टैक्ट मिला, वहां पे रहने के लिए खाने के लिए सभी सुविधा वहां पे हो गया, बस हमको प्रोग्राम करना था। फिर वही होता है जो नेक्स्ट लोकेशन जाते हैं फिर हमें यह होता है कि इसके आगे क्या, हर समय हमको नेक्स्ट का पता नहीं होता है और उसी समय पता चलता है कि कहाँ जाना है। और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए दीमापुर, वो पहुँच मतलब बीच में पता चला कि वो नागालैंड है। दीमापुर जो पहले क्या होता है, दो टीम बन के जाते हैं, एक टीम छोटा गाड़ी से पहले एक्सप्लोर करते हैं कि आसपास में कितना प्रोग्राम का पॉसिबिलिटी है, उसके साथ उसके बाद बड़ा गाड़ी जाके उसको ज्वाइन करते हैं और प्रोग्राम स्पीडली होता है। पर जब दीमापुर में पहुंचे फिर भी हमको बोले कि दीमापुर आना इजी है क्योंकि ये आसाम का बॉर्डर है, पर आप नागालैंड के अंदर नहीं जा सकते। जैसे आपने मैसेज में सुना होगा ट्वेंसंग नागालैंड का एक जगह है, वहां के आसाम राइफल के कमांडेंट बोलते हैं तुम कहां भी जा सकते थे, ये गॉड फॉरबिडन लैंड में क्यों आ गए, यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो बहुत मुश्किलें हैं और अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। पर वहां पे ही माता जी का कृपा इतनी मतलब हमको फील हो पाया, जहां जहां बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता था, पहला टीम जिस रोड से गया वहां पे रोड ही नहीं था, लिटरली रोड बना के जाना पड़ा, ऐसा भी मतलब वीडियो कॉल में हम देख रहे थे रोड नहीं है और पत्थर निकाल निकाल के गाड़ी जा रहा है, बार बार में ये आ रहा है लौट जाए, नहीं चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इवन ये भी बताया गया कि अगर आपको रास्ते में कोई एक भी आदमी दिख गया तो समझ लेना कि वो नक्सलाइट है, तो आप चले जाना वहां से। तो इन बाधाओं के बावजूद भी बहुत ही सुरक्षित से, मतलब ये सब जो जितना बड़ा हमको सुनने में लगता है उतना कुछ भी अनुभव नहीं होता था, बहुत ही सुरक्षा के साथ माता जी हमको जहां जहां जाना है जहां जहां प्रोग्राम करना है पहुंचा देती थी। और दूसरा जो टीम था दीमापुर से, बार बार हमको ये आ रहा था कि कोहिमा चले, पर कोहिमा में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, जैसे RSS हमें बहुत हेल्प किया पर वहां पे तो RSS भी टिकना बहुत मुश्किल था, तो वहां पे कैसे जाए। और सुबह से कॉन्टेक्ट ढूंढते ढूंढते शाम को एक कॉन्टेक्ट लगा जाके एक मंदिर में, हिंदू मंदिर, वो बोले एक बड़ा हॉल है, आप आगे अगर रह पाओगे तो हमें देने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हम चल पड़े, पहुंचे रात को, वहां पे तापमान इतना कम और जाके एक हॉल में कैसे मतलब कैसे होगा क्या होगा, एक क्षण के लिए आया, पर वहां पे भी सभी अरेंज हो गए, कंबल अरेंज हो गए, उस रात के लिए खाना अरेंज हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया नागालैंड के कोहिमा में जब हम पहुंचे। पर अगले दिन ये आया कि यहाँ पे के भी एक दो होंगे, एक दो प्रोग्राम करने के बाद क्या करेंगे, और वहां पे गूगल मैप में काम नहीं करेगा, वहां पे तो सभी पहाड़ी इलाका है ना, अगर दिखाएगा 2 किलोमीटर है पर वो जाके पहाड़ के नीचे होगा अगर, तो कैसे हम स्कूल्स को ढूंढते ढूंढते कोहिमा में जाए। तो एक भले मानुस आए और बोले कि आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जाइए, वहां पे कुछ हो सकता है। तो हम चले भी गए, क्या करेंगे पता नहीं था, कैसे क्या होता है कुछ पता नहीं था, हम ये सोच के गए थे कि उनके पास से एक स्कूल का लिस्ट एटलीस्ट लेके आएंगे, जितना स्कूल्स हैं कोहिमा में स्कूल का लिस्ट लेके आएंगे। तो वहां पे जब उनके पास पहुंचे और पहुंचते पहुंचते उन्हीं डायरेक्टरेट के पास पहुंच गए, वो पहला सवाल पूछे कि ये क्या नया धर्म लेके आए हैं, तो उनको बोला गया ये कोई धर्म नहीं है, आप ऑरोविल देख लीजिए। फिर वो थोड़ा समझने की कोशिश किए, फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टरेट जो थे उनको फॉरवर्ड कर दिए, ये देखो क्या होता है।
वो तो साफ साफ मना कर दी, ऐसा कुछ है यहाँ पे नहीं होता है, ये कोई पर्टिकुलर कोई संस्था को ऐसा हम नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता। फिर भी हमने बोला कि एटलीस्ट स्कूल का तो लिस्ट हमें दे सकते हैं। तो वो बोले अगले दिन आओ। उसी दिन रात को, उसी दिन उनको कुछ श्री अरविंद जी के संदेश हमने, उनके कुछ मैसेज हमने उनको भेज दिए। अगले दिन हम पहुंचते हैं, उन्होंने जो टाइम हमें बोला था हम पहुंच गए। वो थोड़ा लेट आते हैं, फिर हमें आके उनके चैम्बर में बिठाते हैं, हम बैठते हैं, देखते हैं कि वो कुछ टाइप कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्या एक एक करके स्कूल का नाम टाइप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर एक लेटर निकाल के, ड्राफ्ट लेटर निकाल के हमें दिखाते हैं, ये सही है देखो। वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ईगर टू फॉरजेड ऑर्गेनाइजेशन को नागालैंड के सभी सरकारी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल में प्रोग्राम करने की परमिशन दी जाती। ये बात हमने तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोली थी, ऐसा हो सकता है ये हम सोच भी नहीं पाए, पर किसने उनके माध्यम से ये काम को किया ये पूरा मतलब डायरेक्टली दिख जाता है। क्योंकि ऐसा कोई भी बात ऐसा हुआ भी नहीं था कि उसको सुन के वो ऐसा परमिशन लेटर दे दे। उसके बाद इतना मतलब आसान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नागालैंड में पहुंचना सच में मुश्किल है। नागालैंड वहाँ पे बाहर से ही आपको मना कर देंगे कि आप अपने बात को कन्विंस ही नहीं करवाने दे सकते हैं, ऐसा मतलब सिचुएशन है। वहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज हुआ कि उनको बोला गया कि एक स्पेशल परमिशन आपके स्कूल को मिला है और आपको ये प्रोग्राम करना है। वो थोड़ा सोच के ठीक है आप आइए। फिर आने के बाद पता चलता था कि ये श्री अरविंद जी का प्रोग्राम है। और वहाँ पे जो बच्चे थे वो भी इतने साइलेंसली सुन रहे हैं आपको। आप सोच रहे होंगे कितना बढ़िया है, साइलेंसली सुन रहे हैं। वो साइलेंस साइलेंस नहीं था, ऐसा लगेगा कि आपके आगे पत्थर बैठे हैं, जड़ मूर्ति बैठे हैं। सुनाओगे तो भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। कैसे उनके पास पहुंचे, क्या बताने से वो सुनेंगे। धीरे 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 ट्राई होते होते कुछ कुछ जगह पे उनके साथ घुल मिलने के बाद, उनके साथ कुछ मतलब कुछ एक्टिविटी करने के बाद, वो धीरे धीरे हमारे साथ ओपन अप होने लगे। और इस तरह हमारे नागालैंड की यात्रा यहाँ खत्म हुई। फिर हम गए अरुणाचल। अरुणाचल भी बहुत ही हम जानते हैं कितना सुंदर वो जगह है। तो अरुणाचल में हम जाते जाते क्या हुआ, हमको विवेकानंद केंद्र ने हेल्प किया था। तो विवेकानंद केंद्र एक सेंटर से दूसरा सेंटर और उसके साथ आसपास के स्कूल, वहाँ पे प्रोग्राम करना हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पर अचानक जब हम मतलब एक सेंटर से दूसरा सेंटर जा रहे थे वाया आसाम, तभी डिक्लेयर हो गया कि आगे कोरोना के चलते सभी स्कूल में प्रवेश करना बंद है। हमको सुबह निकला था, रात को फोन करके बोल दिया आप नहीं आ सकते। जहाँ पे हम रह रहे थे उनको भी बोल दिए थे कि हम निकल रहे हैं, पर अभी जाए कहाँ, वहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे रह नहीं सकते। उसी बीच हम मतलब उस रात को कैसे भी मतलब माँ को प्रे करके वो रात चला गया। और सुबह एक कॉन्टैक्ट मिला जहाँ पे उस जगह पे दो दिन के लिए रहने के लिए सुविधा मिल गई। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के विवेकानंद केंद्र के जो वाइस प्रिंसिपल थे वो उड़िया थे, उन्होंने एक नंबर दिया, उनसे मैं बात कर रही थी। पहला क्वेश्चन था कि हाँ सुने आप उड़ीसा के कुछ लोग आए हैं, किस लिए आए हैं, श्री अरविंद के कार्य के लिए आए हैं, तो उनके लिए क्यों आए हैं, हमने तो सुना वो फ्रीडम स्ट्रगल से भाग के चले गए थे। तो उनको थोड़ा नहीं, ये सब जो सुने हैं वो सही नहीं है, पूरा सुनना चाहिए। हाँ हाँ मैं कुछ कुछ जानता हूँ उनके बारे में। और जिनको लगाए थे वो उड़ीसा के थे और अरुणाचल में 30 साल रह चुके थे एज ए वाइस प्रिंसिपल उनके गवर्नमेंट स्कूल में। तो उन्होंने पूछताछ करके पहला सवाल हमें ये पूछा, आप रह कहाँ रहे हैं। हमने बोला कि अभी रहने के लिए दो दिन के लिए एक जगह में है, उसके बाद क्या है पता नहीं। तो वो तुरंत ही बोले, देखो मेरा जो घर है अरुणाचल में, क्वार्टर है, उसका चाबी मैंने दे दिया है, वो ले जाओ और जितना दिन चाहते हो उतना दिन वहाँ पे रहो। आश्चर्य। उसके बाद उनको कुछ दिन बाद उनको मतलब बहुत दिन बाद उनको फ़ोन लगाया और पूछे कि आप तो हमें पहचानते नहीं, हमें देखे भी नहीं है,
हमें कैसे परमिशन हमें कैसे आपने घर दे दिया। तो वो अपना जो अनुभूति बताते हैं, वो कहते हैं 30 साल की जो अरुणाचल में रहने के समय वो एक बार भी वो चाबी किसी को नहीं दिए। इस बार क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे, उनका जो बुक्स था सभी घर में था, तो थोड़ा शायद कुछ नष्ट हो सकता है, इसीलिए कोई आदमी को बोले थे कि उसको साफ करने के लिए। और बोले कि मैं ये सोचा अगर इस काम के लिए इस आखिरी समय में मेरा घर अगर यूज नहीं हो पाएगा तो वो घर होके भी किस काम का। वो माता जी श्री अरविंद जी के डिवोटी नहीं थे या कोई जानने वाले भी नहीं थे, कैसे वो हेल्प किए, क्यों हेल्प किए, ये सब हमको अपने आप को पूछना है। और उसके साथ माता जी का जो एक अनसीन हैंड, जो जैसे कहते हैं एक अनसीन प्रेजेंस, हर वक्त हर समय वो बताती जाती थी। उसके बाद अगर डाउट आता था कि अभी आगे क्या होगा तो वो हमारी मूर्खता है, अगर डाउट आता था तो हमारी मूर्खता है, हमारी इनकैपेबिलिटी। थैंक यू सो मच, माता जी को आशीष कृतज्ञता। यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर में उस दिव्यता को मेरा प्रणाम। जैसे सब पहले ही बोल रहे थे सबका एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, किस तरीके से माता जी ने इस जर्नी के दौरान हम सबको गाइड करते रहे। तो सिर्फ ये जर्नी में जिस स्थान गए, जिस स्थान में हमारा कार्यक्रम रहा, सिर्फ उस बीच में माता जी का हाथ नहीं था, हर एक इंडिविजुअल के अंदर हम जितने भी यहाँ पर थे, शुरुआत से लेकर आज तक हम 11-12 महीने हो गए हैं, हम जितने भी यहाँ पर शामिल हुए थे, हर एक के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो क्या कर सकता है, इसको निकालने में भी माता जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मेरे खुद के अनुभूति के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैं आने से पहले जिस इनर्शिया के साथ यहाँ पर आई थी, उस इनर्शिया को ही माता जी ने तोड़ दी है। मतलब मैं खुद बोल भी नहीं सकती हूँ कि क्या चेंजेस माता जी ने लाई हैं इन 11 महीने में, जो कि मेरे जीवन में 24 साल में जो नहीं हो पाया था, वो 11 महीने में माता जी मुझको मेरे अंदर जितना भी परिवर्तन लाए हैं वो मैं फील कर सकती हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम सबको इस मार्ग के लिए तैयार करने में माता जी का जो इतना बड़ा हाथ है, अगर हमारे अंदर वो सिंसियर एस्पिरेशन रहेगा कि नहीं मुझको उन्हीं के तरफ ही जाना है, और वो ही हमें ले सकते हैं उनके ऊपर, जो जैसे जगदीश भाई बता रहे थे कि इस जर्नी के दौरान ही हम खुद को तैयार कर रहे थे, हमको कैसे उन्हीं के काम में लगना है, तो वो ही हमको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। माता जी ने शुरुआत से लेकर आज तक हर वक्त हमको गाइड करते रहे। और एक चीज़ है कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बोलना चाहूँगी, जो कि मैं बहुत ही मतलब आलसी तरीके से हूँ, और सुबह जल्दी उठना ये सब मुझसे नहीं हो पाता था। मैं 7 बजे उठता था तो मेरा घर भैया हर वक्त हमको गाइड कर रहे थे कि कैसे दिनचर्या को कैसे परिवर्तन करना होगा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको समझ रहे थे लेकिन उसको करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम चाह तो रहे थे कि हमको इसको चेंज करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई भी सत्ता हमारे अंदर ऐसा हो रहा, मतलब उसके अंदर से ये रिस्पॉन्स आ रहा था कि अभी थोड़ा बस करो उसके बाद देखना। हर वक्त मतलब हर रोज़ मैं कोशिश कर रही थी कि सुबह 4 बजे उठूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। हर वक्त भैया आकर उठाते थे, फिर मैं सो जाती थी, भैया आकर उठा करके जाते थे, फिर मैं सो जाती थी, लेकिन माता जी को प्रेयर करती थी कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो चाह रही हूँ, फिर नींद क्यों आ जाती है।
लेकिन जब मैं आकर यहाँ पर पहुँची, पांडिचेरी में पहुँची, तो माता जी को ये प्रयास था कि इतने महीने में तो नहीं हो पाया, जन्मभूमि से तपोभूमि का जो यात्रा था इसमें तो नहीं हो पाया। मैं आकर के तपोभूमि में भी पहुँच गया, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो ये कैसे होगा। तो फिर 2-3 तारीख के बाद से ही मेरा नींद 2:30 बजे के बाद से ही छूट जाता है, उसके बाद नींद नहीं आता है। फिर मतलब भैया बोल रहे थे कि 3 बजे से 6 बजे तक सोने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि वो एक ब्राह्मण मुहूर्त है और उन टाइम में भगवान का प्रेजेंस रहता है, और अगर तुम उस टाइम में सोते रहोगे तो कैसे उनका पावर, भगवान जी का जो शक्ति है उसको कैसे ग्रहण कर पाओगे। तो मैंने सच में श्री माता शरणम, श्री अरविंद शरणम, श्री माता श्री अरविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबको प्रणाम, और हमारे भाई बहन जो 1 साल तपस्या किए उनको तो बारंबार प्रणाम। हम अयोध्या से हैं, मेरा नाम भी अवधेंद्र पांडे है और बचपन क्योंकि जन्म तो हुआ अयोध्या क्षेत्र में, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुआ, वहाँ से श्री अरविंद श्री माँ से मैं जुड़ा। और मन में एक बड़ी चाह रहती थी, काश श्री माँ श्री अरविंद की बाणी जन जन तक पहुँचे, और सब होते होते शिक्षा दीक्षा के लिए फिर मैं पहुँच गया अयोध्या। वहाँ बाबा जी महाराज के स्थान से जुड़ा, श्री अरविंद सेंटर से, वहाँ से मैं निरंतर प्रयास करता रहा। फिर एकाएक व्हाट्सएप ग्रुप से माध्यम से भाई बहनों से भेंट हुआ, और एक हमारे सिन्हा साहब है, वो दौड़े दौड़े ऐसे आए कि लगा कोई बहुत बड़ा बोझ है। वो कहे कि कुछ सहयोग करोगे, हमने कहा क्या, तो हमारे श्वेता दीदी से बात कराए। बस उसी के बाद हम भी गंगा की धारा में कूद पड़े और बहते बहते अयोध्या लखनऊ होते हुए पांडिचेरी पहुँच गए। बस ये जय माँ, बस दो उद्गार कहना चाहते हैं। तूफान की तरह अप्रत्याशित रूप से आई और पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया, उसी प्रकार एक अंतिम और आध्यात्मिक क्रांति बनकर बवंडर की तरह पूरी मानवता को झकझोर देगी और सागर तक की रेत पर बने ऊबड़ खाबड़ चित्रों को समतल कर देगी। जिस प्रकार कोई भी देश राजनीतिक और औद्योगिक क्रांतियों से अछूता ना रहा, वैसे ही आने वाली आध्यात्मिक क्रांति से भी कोई देश या व्यक्ति अछूता ना बचेगा। इस क्रांति की निस्पत होगी एक देवतुल्य मानव के आविर्भाव में और पार्थिव जीवन के स्वर्गीकरण में, जिसके प्रोधा और पुरोहित होंगे श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद। वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री अरविंद, जय श्री माँ, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बहुत 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 कृतज्ञता माँ के पास कि इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट एक हमारे पास लाके दिए हैं, और इनके बारे में कुछ पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी, जो उठ के जा रहे हैं ज़रूर प्रसाद लेके जाइएगा, बिल्कुल वहाँ पे